भाई वो शकील को उठा लिया है, आप ही का वेट कर रहे हैं। आ रहा हूँ भाई, थोड़ा अर्जेंट है। जी जी भाई। इतने सालों की वफादारी का यही इनाम मिलता है। नाम खराब करने के लिए शकील, एक पल की ही गद्दारी काफी है। जानता हूँ भाई, गलती हुई है, मगर इतने सालों की वफादारी, कुछ तो रहम की उम्मीद रख सकती है ना। हमारे कानून से तू पूरी तरह वाकिफ था, और कानून तोड़ने वालों में भेदभाव नहीं करते, सबका हश्र एक जैसा होना चाहिए। नहीं 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 भाई, नहीं प्लीज, मेरे लिए तो मेरी अम्मी के बारे में तो सोचो, आपको खुदा का वास्ता, मेरी अम्मी के लिए तो मुझे छोड़ दो मेरे भाई, प्लीज। जब से बाप मरा है दिमाग खराब हो गया इनका, एक गोली नहीं चलती इनसे। तेरे को ठोकने से पहले ना एक सेकंड नहीं सोचूंगा, बोल, डाल दू सारी की सारी अंदर, सब शिकायतें खत्म हो जाएंगी। हाँ सॉरी भाई। शाम होने से पहले ना इसके घर पे एक खुका पहुंच जाना चाहिए, समझ में आ रहा? जी भाई। कैंसर बढ़ रहा है बाबा। तनाव दिमाग का कैंसर है, तू ही कहता था। बात वो नहीं है बाबा। तो फिर क्या बात है? पता नहीं आप जाते जाते अपने साथ मेरी जिंदगी का ऐसा कौन सा हिस्सा ले गए। अब वो अब वो आग नहीं रही मुझ में, एक खौफ सताता रहता है, ये रोशनी काटने को दौड़ती है और रातें सोने नहीं देती। ऐसा लगता है कि मेरा अतीत अलग अलग रूप में आकर मुझे डरा रहा है। मेरे जाने से जो चोट तेरे दिल पे लगी है, शायद उसने तेरे कर्मों के जख्म ताजा कर दिए। ये कारोबार ही ऐसा है,
हर शख्स को अपने जख्म साथ लेकर चलना पड़ता है। जो नहीं चल सकता वो ऐसा गिरता है कि फिर कभी उठने की हिम्मत नहीं करता। कोशिश तो कर रहा हूँ मैं बाबा, पर पता नहीं ये सब कब और कहाँ जाकर खत्म होगा। ये जिंदगी है जो एक राह पर चल रही है, इसकी कोई मंजिल नहीं है। जिस दिन चलते चलते थक जाएगी उस दिन दम तोड़ देगी मौत। वही जिंदगी के इस करिश्मे की आजादी है।